अतीकुर रहमान साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। आप बताइए, इस्लाम का लिखित इतिहास कितने साल पुराना है? जो हमारे इस्लाम का कैलेंडर आया है वो आया है 632 एडी में, और अभी 1445 हमारा कैलेंडर का ईयर चल रहा है। सही बोला आपने, लगभग 1400 कुछ साल ना, चलिए 1450 साल मान लेते हैं। 45। और ये यहूदी धर्म कितना पुराना है जरा बताइए, कितने साल पुराना है रिटन हिस्ट्री में? मैंने कहा कैलेंडर, मैं इतिहास ही पूछ रहा हूँ, यहूदियों का इतिहास पूछ रहा हूँ आपसे सर। भाई कैलेंडर तो तभी से आया ना जब से धर्म शुरू हुआ, मजहब शुरू हुआ। यहूदियों का इतिहास तो कुरान में लिखा है। क्या लिखा है? तो जब कुरान में लिखा है यहूदियों का इतिहास, तो कुरान कितना पुराना हुआ? आप कैलेंडर की जब शुरुआत होती है उस वक्त की शुरुआत को आप इस्लाम से नहीं मिलाइए ना, इस्लाम की शुरुआत हजरत पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, इंसानियत की शुरुआत। जब से इंसानियत की शुरुआत हुई है, जब से दीन इस्लाम की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसका रिटर्न हिस्ट्री खाली 1450 साल से कम का क्यों है अतीकुर रहमान साहब? सनातन का तो आपको मिल जाएगा, रामायण मिल जाएगी, महाभारत मिल जाएगी। दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तो आपका लिखित इतिहास 1450 साल के आसपास का क्यों हो गया भाई? अपना बताइए ना, इसका भी रीजन बता दीजिए। शायद फोन कटा हुआ है अतीक भाई, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आज जब योगी जी कह रहे थे सनातन के बारे में, सनातन ही विश्व शांति का मूल मंत्र है, क्या कहना चाह रहे थे वो? भाई उन पर तो हमला करेंगे, अब बोले आप संत है इसलिए सनातन की बात कर रहे हैं, आपको वोट चाहिए हिंदुओं की इसलिए आप सनातन की बात कर रहे हैं। दीपक जी, ये कोई वोट का मसला नहीं है, हम वैश्विक परिस्थितियों में जब देख रहे हैं कि चारों तरफ आतंक का क्रूर काला चेहरा दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार के दृश्य विभत्स तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, मानव शरीर के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ दिखाई पड़ रहा है, एक जब अशांति का वातावरण दिखाई पड़ रहा हो, तो सबकी निगाह शांति की तलाश खोजती है, और वो शांति इसी सनातन से है, वो सनातन जो सत्य है, जो चिरकाल से है, जिसके आदि और अंत का कोई किसी को अंदाजा नहीं है, वो सनातन जिसने एक ऐसी जीवन पद्धति दी है, जिस जीवन पद्धति में हम केवल व्यक्ति के प्रति ही भाव नहीं रखते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भाव रखते हैं, वनस्पतियों के प्रति भाव रखते हैं, हम बरगद और पीपल की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, जहां हम नदियों को जीवनदायिनी मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, और इस समय तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध के दिनों में हम अपने पूर्वजों को पितरों को जो अर्पित करते हैं वो उसे कौवे को, यानी जो काक पक्षी कौवा है, हम उस कौवे को अर्पित करने का काम करते हैं। हम ये मानते हैं कि सनातन एक ऐसा जीवन पद्धति है, एक विकल्प है जो सबको शांति दे सकती है, बाकी जगहों पर भ्रांति मिलती है। और ये बात इसलिए जब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि एक ही ऐसा सनातन जीवन पद्धति है जिसमें सबके सुख और शांति की कल्पना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कहीं और इस बात की कल्पना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना किसी और मजहब में नहीं है, किसी और जीवन पद्धति में नहीं है, इसलिए भारत के पास ही समाधान है, क्योंकि भारत ने ही इस जीवन पद्धति को जिया है, भारत ने इस जीवन पद्धति को देखा है। अब भारत के इतिहास को देखिए दीपक जी, ये बातें केवल कोरी कल्पना में नहीं है, कभी भी भारत साम्राज्यवादी नहीं रहा, कभी भी भारत ने अपने साम्राज्य का अपना विस्तार करने के लिए कभी तलवार उठाई हो, हमेशा रक्षा के लिए तलवार उठाई है, क्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास किया है, और फिर भी प्रतिक्रिया इस तरह की कि कैसे शांति लाई जा सके, इससे इसी सनातन परंपरा ने हमें बुद्ध दिए हैं, जिसने दुनिया भर में शांति का एक संदेश देने का काम किया है। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ जी ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए। और आज पूरी दुनिया जिस तरह से भारत के इस अध्यात्म को स्वीकार कर रही है, भारत की सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रही है, आज दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारत का वेद, भारत के पुराण, भारत के उपनिषद, भारत की योग, भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, यही एक समाधान है। मुझे लगता है ये भारत के निवासियों के लिए एक गौरव करने का विषय है, और यही भारत दिखाता है
कि यहां हमारे धर्म जो है ना, हमारा मजहब जो है ना, हमारी पूजा पद्धति जो है वो हमेशा द्वितीय होगी, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। माता के साथ इस प्रकार का संबंध पूरी दुनिया में कहीं किसी और राष्ट्र में नहीं दिखाई पड़ता, और इसीलिए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये इस पद्धति का हिस्सा है और यही योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए एक संदेश इसी भारत भूमि से निकल करके आएगा, समाधान इसी भारत भूमि से आएगा। वातिक भाई क्या बोलेंगे आप राकेश त्रिपाठी जी की बातों पर? मैंने यही आपसे पूछा कि 1450 साल के आसपास का आपका लिखित इतिहास क्यों है, पुराना क्यों नहीं है, जब आप कहते हैं कि धरती यहीं से शुरू हुई और सबसे पहले इस्लाम नाम का मजहब आया, वो क्यों नहीं है कहीं लिखा हुआ? नहीं, ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था, मैं उसी को मैं आपको बता रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ में दीन इस्लाम का शुरुआत हुई है। कितने साल पहले? आदम अलैहिस्सलाम द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, सबसे पहली इंसानियत की शुरुआत के साथ में दीन इस्लाम की शुरुआत होती है। हिजरी कैलेंडर की अगर आप बात करें तो वो 1445 साल का हुआ है, और कुरान में ही क्रिश्चियनिटी का भी जिक्र है और कुरान में ही जुडाइज्म का भी जिक्र है, क्योंकि कुरान सबसे आखिरी में आया। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, आपका सबसे यंग रिलीजन आखिरी है। और आप बोल रहे इसराइल तो हमारे पास हमेशा से आखिरी था। अरे जब इस्लाम नहीं आया था तो ये अरबिक देशों की जमीन कैसे हो गई? अतीकुर रहमान साहब मुझे ये समझा दीजिए, 4000 साल तो रिटर्न हिस्ट्री है यहूदियों की, इस्लाम आया है। अरे बंधु बात को समझिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ में दीन इस्लाम आया है, द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, और ये तमाम चीजें कुरान में वाजे तौर पे बताई गई हैं। आखिरी पैगंबर अवश्य हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जहां पर दीन इस्लाम को कंप्लीट किया गया। अच्छा ये बताइए कुरान कितने साल पुराना है सर, हिस्ट्री के हिसाब से? आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, ये भी बताइए कितने साल पहले लिखा गया कुरान? मैं बता सकता हूँ रामायण कब लिखा गया, महाभारत कब लिखा गया। कुरान नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप 40 साल की उम्र के थे, मतलब वही 1450 साल के आसपास की उम्र से आप 23 साल तक के, 23 साल मतलब तक वही 1450 साल की उम्र के आसपास अधिक भाई मोहम्मद को रिवील करके। यस यस ठीक कह सकते हैं आप। तब उनको जानकारी थी कि भाई यहूदी भी है और यहूदियों के साथ साथ क्रिश्चियन भी है, जानकारी थी। सुशील पंडित जी क्या कहेंगे अतीकुर रहमान जी के तर्क पे? फिर मैं आता हूँ एक बड़ी डिबेट के ऊपर। मेरा इनसे तर्क यही है कि जब 4000 साल पहले यहूदी धर्म आ गया था, अब्राहम लेकर आ गए थे अपने बेटों के साथ, और उसके बाद इस्लाम आया, तो इसराइल जो है ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल बहस है, इसलिए मैं इसको लार्जर पिक्चर पर रख रहा हूँ। जो है जब अरब वर्ल्ड था ही नहीं और यहूदी थे, तो फिलिस्तीन अरब वर्ल्ड का कैसे हो गया? मुझे समझाइए इतिहास के आधार पर। जी जब हिजरत हुई, जिससे ये हिजरी कैलेंडर बोलते हैं, तब मोहम्मद मक्का छोड़ करके उन्होंने शरण ली एक शहर में जिसका नाम था यात्रिब। उस यात्रिब में 3 यहूदी कबीले रहा करते थे, बने कुरेना, बने कुरेश, ऐसे 3 कबीले थे जिन्होंने मोहम्मद को शरण दी। मोहम्मद शरणार्थी होकर के वहां आए थे, उन्होंने वहां इस्लाम की दावत देनी शुरू की। तो इन कबीलों ने कहा कि देखिए हमारा अपना एक मजहब है, एक अकीदा है, हम यहूदी हैं तो हम ठीक ठाक हैं, हमने आपको यहां शरण दी है, आप रहिए, लेकिन हमारे पास अपना मजहब, अपना दीन, अपना अकीदा है। तो मोहम्मद साहब ने देखा कि इनके पास इनका अकीदा क्या है। इनमें से सभी जरूसलम की तरफ देखकर प्रार्थना करते थे, क्योंकि जरूसलम इनकी मुकद्दस जगह थी, मुकद्दस शहर था। तो ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब पर एक आयत नाजिल हुई कि हमको भी जरूसलम की तरफ देखकर अब नमाज अदा करनी है। तो उन्होंने यहूदियों से कहा कि देखिए हमारे लिए भी जरूसलम मुकद्दस जगह है,
हम भी वहीं उसी तरफ देख करके अपना अपनी पूजा अपनी अर्चना अपनी प्रार्थना करते हैं, आप भी करते हैं, आइए फिर से इस्लाम में आ जाए। उन्होंने कहा देखिए हम ठीक ठाक हैं, आप अपना इस्लाम अपने पास रखिए। Z News.